और आज हम जिन तमाम तो हीरो को याद करेंगे, तलहा तालिब जिनका हमें पता चला टोक्यो ओलंपिक से, विच इज सैड बट हमें अच्छा बहुत लगा जी कि तलहा तालिब जैसे वेटलिफ्टर्स भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ये जश्न आजादी कैसे मना रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं ARY के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट और प्रोग्राम बाउंसर के होस्ट शुएब जट, उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, आज 14 अगस्त यानी के कौमी दिन है और इस कौमी दिन के मौके पर मैं कराची की शाहरा पे हूँ और अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौम का वो हीरो है जिसने पूरी कौम को ये उम्मीद दिला दी, ये यकीन दिला दिया कि पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। तलहा आए हमारे साथ, ये तलहा तालिब है, वेट लिफ्टिंग में पूरी दुनिया में इन्होंने बता दिया कि पाकिस्तानी मुंडों में दमखम होता है। तलहा, क्या आज मिशन है आपका झंडे वंडे लेकर? मैं ये जितने कराची के बच्चे हैं स्पेशली, मैं उनके वालदैन को भी रोक के तो मैं उनको झंडे भी दे रहा हूँ, साथ पैगाम भी दे रहा हूँ कि अपने आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्समैन भी बनाएं ताकि आने वाले वक्त में जिस तरह मैंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये बच्चे इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाएंगे। तला, ये काम आप बड़ी खामोशी से कर रहे थे तो हम यहाँ पे गुजर रहे थे तो आपको देख के हम रुक गए, तो क्या वजह है? कोई तशहीर का आपके मामला नहीं था, खामोशी से आगे आप ये काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, मेरी यही ख्वाहिश है कि ऐसे ही मैं अपने जो शहर में गुजरांवाला में भी ऐसे ही मैं एक मुहिम चलाऊँ और अपने जितने मेरे कलीग्स हैं उन्हें भी मैं कहूँ कि ऐसे ही आप जितने बच्चे सड़कों पर हैं या और कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप उनके वालदैन को भी ये झंडे पकड़ाएँ, उन्हें ये पैगाम दें क्योंकि रोशन मुस्तकबिल ही रोशन पाकिस्तान है। बिल्कुल, कौमी दिन पर कौमी पैगाम बन जाना चाहिए ये कि रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्पोर्ट्समैन बनवाना होगा। तो क्या आप हमें इजाज़त देंगे कि हम भी आपकी मुहिम में शामिल हो जाएं? जी ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी सर। चले चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। आप ओलंपिक में हमें जी तलहा तालिब है बेटा, ये आपके लिए और आप मेरे से एक वादा करें कि बेटी को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी और अच्छा स्पोर्ट्स भी इसे करवाएंगे। हम वहीं से आ रहे हैं, दूसरी बच्ची को छोड़ कर आए हैं, उसके पेपर नहीं तो तलहा जो कह रहे हैं कि इसको स्पोर्ट्स में भी आगे लेके आना है। बिल्कुल, इसको स्पोर्ट्स में लाएंगे ताकि पाकिस्तान का, क्योंकि बच्चे मुस्तकबिल होते हैं, ताकि पाकिस्तान का इंशाल्लाह नाम रोशन करें। बेटा स्पोर्ट्स करोगी, खिलाड़ी बनोगी इंशाल्लाह? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। बेटा ये खैर वाले, बेटा ये आपके लिए और अंकल आप एक वादा करें कि ऐसे ही इंशाल्लाह इसे स्पोर्ट्स भी करवाएंगे और ताकि, क्योंकि बच्चे आपको पता कि मुस्तकबिल होते हैं हर मुल्क का, तो स्पोर्ट्स भी करवाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम भी रोशन करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह हमेशा सरबुलंद है इंशाल्लाह। चले, ये बच्चे आ रहे हैं तला, मेरे ख्याल से इन बच्चों को जो है पकड़ दें, बात भी करें और अपना पैगाम भी दे दें। आप क्या हाल है? ठीक है, आप क्या नाम है? ये आपके लिए, आप जिमनास्टिक करती हैं माशाल्लाह? आप जिमनास्टिक प्लेयर हो? जी। वाओ, तो आपने इंशाल्लाह जिस तरह मैं ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हूँ, आप भी इंशाल्लाह ऐसे पाकिस्तान का नाम रोशन। तो कोई जिमनास्टिक का स्टंट कर सकती है यहाँ पे क्या? नहीं, छोटा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरे नाम रियान है, मोहम्मद रियान है। आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट, बड़े हो गए तो किसके जैसा बनना? शायद प्रीति जैसा आप छक्के लगाओगे। हाँ इंशाल्लाह। चले, अब आपको फ्लैग दिया है तलहा भाई ने तो उनको पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहोगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद यार, ये बच्चे भी हैं, इनको भी मेरे ख्याल से हक बनता है अगर आप इनको भी दें। ओ भाग्य बच्चे, क्या कहेंगी इस हीरो के बारे में और ये हीरो भी जो आपके बच्चे के लिए कहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा किया इन्होंने, एंड आई होप इंशाल्लाह अगले साल अगले आगे ओलंपिक्स में ये जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं तो आज आप तलहा से और पूरी कौम से ये वादा कर रही हैं कि आप भी अपने बच्चे को इनकी तरह स्पोर्ट्समैन बनाएंगे? ये बहुत शौक से देखते भी हैं स्पोर्ट्स, क्रिकेट भी बहुत शौक से देखते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम भी स्पोर्ट्स में डालें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इनको भी डालें और ये आगे नाम रोशन करें। तो तलहा की तरह नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह, तलहा की तरह। चलिए जी, थैंक यू। तलहा ने आपको फ्लैग दिया है, अब इस फ्लैग की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। तलहा ने तो ओलंपिक में पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद किया, अब आपको करना है आगे। तलहा का सफ़र जो है वो तो यहाँ पे जारी है और तलहा मेरे ख्याल से आज पूरे दिन आपकी ये मुहिम है? जी बिल्कुल। तलहा आज कराची में है, फिर और शहरों में भी जाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं लाहौर भी इंशाल्लाह जाऊँगा और उसके साथ फिर अपने शहर भाई शहर गुजरांवाला में। तलहा का अज़म जो है वो आपकी तरह बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरह मजबूत है, मुस्तहकम है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ना है, पूरी दुनिया को दिखाना है हम जैसा कोई नहीं। इंशाल्लाह।
चलें जी, बड़ा अच्छा जज्बा था। और एक और अच्छी चीज़ होती है कि जाहिर है कि इन लोगों को मज़ीद प्रमोट करने की भी ज़रूरत है ताकि लोग उन्हें जान सकें, पहचान सकें। जैसे अरशद नदीम हैं, अगर ये सारे एक ग्रुप की सूरत में भी जाएं तो उस सूरत में ज़्यादा इनको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, इनको इज्जत और एहतराम देंगे और जाहिर है कि पैगाम भी बड़े ऑडियंस तक पहुंचेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब इनको जान ही गए हैं। हमारा मसला ये नहीं कि हम जरा टिकटॉकर्स को जरा फॉलो करते हैं, तो कौमी हीरोज़ को भी यहाँ पे जो हमारे फ्रेश हीरोज़ हैं उनको फॉलो करना जरूरी है।